फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ताजमहल जो कि आगरा में है, सेवन वंडर ऑफ द अर्थ। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय वीडियो। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे उस नायाब चीज़ को जिसकी वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, और जो सेवंथ वंडर, सात अजूबे जो दुनिया के हैं उनमें से एक है, और इसके जैसा कोई भी नहीं, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा। जी हाँ, आप सही जान चुके हैं, हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने ताजमहल को। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो बिना ताजमहल देखे वो गया होगा। ताजमहल प्यार का प्रतीक, लव का और डेडिकेशन का प्रतीक है, और ताजमहल को देखने के बाद हर कोई ये ज़रूर बोलेगा, वाह जी वाह, ताज बोली। ताजमहल विजिट करने से पहले आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है टाइमिंग, तो ये सनराइज से सनसेट तक ओपन रहता है और फ्राइडे के दिन क्लोज रहता है। जी हाँ, आप स्पेशली ध्यान रखिए, फ्राइडे के दिन ताजमहल क्लोज रहता है, तो फ्राइडे के दिन आगरा विजिट ना करें। उसके अलावा आपको ताजमहल का ई टिकट बुकिंग ऑनलाइन कराना पड़ेगा, कोई विंडो टिकट नहीं है कोविड की वजह से। और ये ई टिकट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तीसरा चीज़ है पार्किंग, वहाँ पे एक पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप अपनी गाड़ी उसी गेट से, ईस्ट गेट से पार्क करें। दूसरे गेट से पार्किंग थोड़ी दूर है, और पार्किंग के बाद आपको मिलेंगे ये ई रिक्शे, जिसमें बैठ के आप ताजमहल के मेन गेट तक जा सकते हैं। ई रिक्शा का चार्जेज 10 रुपीज़ पर पर्सन है, और ई रिक्शा पिकअप पॉइंट से मेन गेट ताजमहल का जो एंट्री गेट है वहाँ का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है अप्रोक्स। और अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और वॉक करना पसंद करते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि रोड पूरा क्लीन है, साफ है और अच्छा है। आप वॉक करेंगे तो आपको वॉक में भी मज़ा आएगा। हम विद फैमिली थे और पेरेंट्स थे मेरे साथ में, तो हमने ई रिक्शा किया। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेन गेट पे ई रिक्शा वाला ड्रॉप करेगा। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ताजमहल जो कि आगरा में है, सेवन वंडर ऑफ द अर्थ, और ये है इसका एंट्री गेट, आपको दिख रहा होगा। इसकी ऑनलाइन टिकट आपको बुक करानी पड़ेगी, जिसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ से आपको एंट्री करनी है। और अगर आप व्हीकल लेके आते हैं तो आपको यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पार्क करना होगा। चलिए देखते हैं अंदर चल के कैसा दिखता है। गेट पे पहुंचने के बाद आपको पार करनी पड़ेगी ये लॉन्ग क्यू, इतने हजारों की भीड़ जो हम सब के इतने सालों के योगदान के बाद बनी हुई है। हम सब लोगों ने इतना मेहनत किया है इंडिया को 138-140 करोड़ बनाने के लिए, और आप उसको देख पाएंगे। उसके बाद आएगी ये गैलरी जहाँ पे पुराने फोटो लगे हुए हैं ताजमहल के और बाकी प्लेसों के। ताजमहल जो ऐतिहासिक धरोहर है, इसको मुग़ल एम्पायर में शाहजहां ने बनवाया 1628 से 1658। शाहजहां ने ये ताजमहल अपनी रानी, अपनी बेगम और अपने प्यार मुमताज के लिए बनवाया, और इसीलिए इसको लव का प्रतीक, प्यार का प्रतीक, सिंबल ऑफ लव, इस तरह के नामों से भी जाना जाता है। और
ये प्योर मार्बल से बना है और पीछे इसके यमुना नदी है। इसी के कारण इसकी जो सुंदरता है वो अद्भुत है और इसीलिए इसको विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ताजमहल की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। जैसे कि ये व्यू जो आप देख रहे हैं और जिसको आप मेन गेट समझ रहे हैं, ये एक्चुअली ताजमहल का मेन गेट नहीं है। इसके पीछे का जहाँ से यमुना नदी बहती है वो इसका मेन गेट है। और जब शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाया तो ये सोच के बनवाया कि पानी से लोग बोट के द्वारा इससे आएंगे और इसको विजिट करेंगे, वो इसका मेन गेट था, ये वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है वो फेमस ताजमहल जिसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं और ये आगरा में है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। आज संडे का दिन है तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी यहाँ पे आएँ कम से कम 3 आवर्स का टाइम लेके आएँ। अगर आप ताजमहल के मेन गेट पर पहुँच गए, वहाँ से भी अंदर आने में आपको 2 आवर्स लग जाएंगे, इतना चेकिंग है। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, सर्दी का मौसम है और बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे। और ताजमहल मार्बल का बना है, आप जान सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लगेगा। हमने अंदर का टिकट नहीं लिया है इसका, क्योंकि अंदर का टिकट 200 रुपये का था और ज़्यादा कुछ देखने है नहीं वहाँ पे। बाहर का टिकट आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा, चिल्ड्रन के लिए 20 का। तो चलिए आगे देखते हैं ताजमहल थोड़े पास से कैसा दिखता है और ब्यूटीफुल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके चारों तरफ फाउंटेन है और ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आपको एंट्री करना है और इसका आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इस पर पेंटिंग वगैरह हुआ है, ये सब उर्दू में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं ताजमहल। जब भी जाएं फैमिली के साथ एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं और वहाँ पे जो कैमरे वाले हैं उनको भी मौका दें, उनका भी रोजी रोटी है। और हमने भी वहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक किए, आप देख सकते हैं। दूसरी मेन चीज़ ताजमहल के बारे में जो मोस्ट ऑफ आप नहीं जानते होंगे, इसकी जो 4 मीनारें हैं, ये 4 मीनारें स्ट्रेट नहीं हैं, थोड़ी झुकी हुई हैं आगे की साइड में। और इसका रीज़न ये है कि जब भी ये मीनारें कई किसी कारणवश गिरती हैं या टूटती हैं तो ताजमहल डैमेज ना हो, वो दूसरी साइड गिरे जो कि आउटसाइड है। शाहजहाँ ने ताजमहल को बहुत ही दिल से बनवाया। यहाँ का जो मकराना था वो राजस्थान से आया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से, लैपिस लाजली अफगानिस्तान से और टॉर्कोइस तिब्बत से आया था। एक और मेन बात जो लोग ताजमहल के बारे में नहीं जानते, ताजमहल मार्बल के साथ साथ 28 और जेम्स स्टोन के साथ बनाया गया है, जिसमें बहुत ही महंगे महंगे स्टोन जैसे टॉर्कोइज, लैप्सिस, कोरल, जेड, ब्लड स्टोन, कैटाइज, ओनेक्स, बहुत ही नायाब तरीके के स्टोन इसको बनाने में यूज किए गए हैं और इसी वजह से वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आता है। और इतनी सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस पे कुछ फैमिली फ़ोटो और बनते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपकी जर्नी को यादगार बनाती हैं और बाद में यही यादें बन के आपके सामने आती हैं।
फ्रेंड्स, ताजमहल को बनाने के लिए दुनिया भर से कारीगर बुलाए गए थे। पेंटिंग के लिए इटली के कारीगर, ईरान के कारीगर चित्रकारी के लिए, और उज़्बेकिस्तान के कारीगर, और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं। और इसीलिए इसको नायाब माना जाता है। और ये भी कहते हैं कि शाहजहाँ ने सारे कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिससे कोई और ताजमहल ना बन सके। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या ये बात सच है, और अगर आपने मेरा बीबी का मकबरा, जिसको दूसरा ताजमहल बोलते हैं, जो कि औरंगाबाद में है, उसका वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, आई बटन में लिंक दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके बाद टाइम है पेट पूजा का, और पेट पूजा करना ज़रूरी है। और ये है शाम का लुक, जो कि आगरा का लुक है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है आगरा। और आप जब आप जाएँ मुझे बताएं आपका ट्रिप कैसा रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगरा फोर्ट और फतेहपुर की सीकरी के बारे में बताऊंगा, और वहां के ट्रिप के बारे में बताऊंगा। टिल देन, बाय।